अरे शिवाय बेटा तू इतने अंधेरे में आप अकेली क्यों बैठी है? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सर जरा भारी हो रहा था तो मैंने सोचा आंखें बंद कर लूं। टाइम क्या हो गया? शायद मुझे ना बार बार वो ड्रिंकिंग वाली साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी, इसे मैं देखने गई। वहां मुझे ना एक औरत दिखी, उसकी शक्ल नहीं मुझे दिखी। वीर, आपका बेटा वीर, आप ही के कहने पर उसने ये सब किया। नहीं, गोवा में अनिका को डराया, मुझे और अनिका को जान से मार देने की कोशिश की, हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। क्यों क्यों बुआ, अपने परिवार से इतनी नफरत? परिवार? कैसा परिवार? परिवार वो होता है जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे, ना कि दुनिया की ठोकरें खाने के लिए उसे अकेला छोड़ दे। परिवार तो होता है लड़कों के लिए, लड़कियों का कहां कोई परिवार होता है? पैदा होते ही पराए धन का ठप्पा लगा देते हैं, बाप और भाइयों की इज्जत का बोझ उसके कांधों पर रख देते हैं। बेटा गलती करे तो वो गलती, लेकिन अगर वही गलती बेटी से हो जाए तो पाप। तेजवीर जी सारी उम्र अय्याशी करते रहे, सारी उम्र, लेकिन मुझसे भूल हुई तो घर परिवार ये शहर तक छोड़कर चले जाने की सजा सुना दी। शादी के पहले मां बन गई तो मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गए, शर्त रख दी कि या तो मैं अपना घर छोड़ दूं या अपने बच्चे को। मैंने आखिर में अपने बच्चे को उसे दूर कर दिया ताकि ये ओबराय खानदान की इज्जत शान आज ना आए। और मेरे भाइयों ने क्या किया? मुझे मेरा हिस्सा तक नहीं दिया। मैं पूछती हूं, अगर यही गलती तेजवीर जी या शक्तिवीर जी ने की होती तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता? अगर तुझसे ओमकारा या रुद्र से ये भूल हुई होती तो क्या तुमसे भी कहते घर से निकल जाने के लिए? आपको नाराज की थी तो आपको बात करनी चाहिए थी, अगर आपके साथ गलत हुआ तो लड़ना चाहिए था, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। अगर आप बात कर लेती ना तो डैड बड़े पापा मान जाते, लेकिन आपने क्या किया? अपनी नाराजगी को नफरत में बदल दिया, अपनों की ही जान लेने पे तुलाई आप। हाँ, ये तू इसलिए कह रहा है क्योंकि तू अपने घर वालों की असलियत जानता नहीं है। वो जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। कहना क्या चाहते हैं? सुनना चाहता है तो सुन। तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी बड़ी माँ, बड़े पापा, इन सब लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये ओबराय अंपायर न जाने कितने लाखों मासूम लोगों की लाशों पर खड़ा हुआ है। ओके ओके, मैं इन बातों को नहीं मानता। मेरा परिवार ना इस सब में शामिल नहीं है। अगर आपको लगता है आप मुझे मेरे ही परिवार वालों के खिलाफ भड़का सकती हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी में तो तू जी रहा है शिवाय। और अगर सच में तू इस गलतफहमी को दूर करना चाहता है तो आज रात 12 बजे कल्याणी मिल्स पहुंच जाना। तुझे अपने घर वालों की असलियत पता चल जाएगी, असली चेहरा दिख जाएगा। तेरा बाप, तेरी बड़ी माँ, बड़े पापा, इन सब लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। तेज, क्या हुआ? तुम कुछ भूल रहे हो क्या? फाइल। ओ। एक बार चेक तो कर लिया करो। और कुछ? बीपी की मेडिसिन ली तुमने? हाँ ली। और कुछ? कम से कम मुझसे हंसकर बात तो कर लिया करो तुम।
अरे मेरी पिंकी जी, इस तरह की चाय पिलाकर मुझे तिल तिल क्यों मार रही हैं आप लोग? एक काम क्यों नहीं करती, एक ही बार में मुझे जहर दे के हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दीजिए। ओ मैं माता, जरा सी चाय में चीनी ज्यादा डाल दी, पूरा घर सर पे उठा लिया आपने। कमाल है जी, घर उठा लिया। मेरी प्यारी सी बीवी शायद ये भूल रही है कि उसके पति को शुगर है। हाँ, वो क्या कहती है आपके लैंग्वेज में, शुगर सर। और अगर इसी तरह भर भर के मुझे शुगर पिलाती रही ना, तो घर क्या मैं खुद ही उठ जाऊंगा किसी दिन। ओहो, शुभ शुभ बोलो, मरे आपके दुश्मन। सच कहूँ तो इस वक्त दुश्मन आप ही मेरी बनी हुई, क्योंकि रोज आप मुझे इसी तरह चाय में शक्कर पिलाती रहती है, पिलाती रहती है, पिलाती रहती। एक मिनट जेठ जी, जरा ये चाय पीकर तो बताइए, ये कह रहे हैं इसमें चीनी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि पी भी नहीं सकते। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम कहोगी कि मैं अपने भाई की साइड ले रहा हूं। एक काम करो, शिवाय को पिला के पूछ लो कि उसे चाय कैसे पसंद आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अरे हाँ भाई साहब, मैं तो भूल गया, शिवाय इनका प्यारा बेटा जो ठहरा, कमाल है, मुझे चाय पिला रही, अपने प्यारे बेटे को टेस्ट तक नहीं करा रही। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो इस वास्ते बोल रही थी क्योंकि ये तो ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर्स पीने वालों में से है, मेरी चीनी का एक दाना भी इसे ज्यादा लगेगा। नहीं नहीं, या तो रूपुआ झूठ बोल रही है या उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, ये लोग गलतियां कर सकते हैं लेकिन गुनाह नहीं। मुझे रूपुआ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपकी चाय के चक्कर में ना मेरी पूजा भी नहीं हुई, मैं करके आती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, बस अब मैं भी साथ चलता हूँ। रूप, ये सब क्या है, इस तरह का मैसेज? रूप, इस मैसेज का मतलब क्या है? तुमने ऐसा क्यों लिखा कि आज रात हमें कल्याणी मिल जाना पड़ेगा? हमारा पुराना मैनेजर शुक्ला, उसका फोन आया, उसने बताया स्वेतलाना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कल्याणी मिल्स केस की छानबीन फिर से शुरू कर दी। अगर पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिस को मिस्टर कपूर की लाश मिल गई तो फिर स्यापा हो जाना वीर जी। मिस्टर कपूर की लाश जो तब नहीं मिली तो आप क्या मिलेगी? इसी बात का तो रोना है पड़ जाए कि लाश नहीं मिली थी, मतलब वो वहीं कहीं होगी ना। मुझे तो लगता है वो तभी उसी आग में जल गई होगी, लेकिन पुलिस को तो लगता है कि लाश वहीं कहीं है। ये क्या बात कर रही है रू, अगर वो वहाँ होगी भी तो इतने सालों में तो सड़ गल गई होगी ना, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है परजाई जी, आजकल तो नई नई तकनीकें आ गई, हड्डियों से पुलिस पता कर लेती कि हड्डी किसकी है, और दांतों से भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे करना क्या है। मेरे ख्याल से वीर जी वहाँ जाकर देखना पड़ेगा, अगर लाश वहाँ है तो लाश को हटाना पड़ेगा, वरना पुलिस का शक आप चारों पर जाएगा, क्योंकि मिस्टर कपूर आपके पार्टनर थे, उनकी मौत का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को हुआ है। लेकिन रूप, हम में से किसी ने भी मिस्टर कपूर को नहीं मारा है। लेकिन ये बात आप साबित कैसे करेंगे वीर जी, पुलिस तो शक के दम पर अंदर कर देती है और शक आप चारों पर ही जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने शुक्ला का फोन उठा लिया, वरना शिवाय उठा लेता तो पता नहीं क्या कर जाता। नहीं नहीं, शिवाय को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो जाइए उस लाश का कुछ कीजिए आज रात, वरना पुलिस का क्या पता वो कभी मुंह उठा के चल दे। आई थिंक रूप सही कह रही है, हम सबको कल्याणी मिल्स जाना चाहिए। यही तो मैं चाहती हूँ, तुम लोग वहां जाओ और शिवाय तुम सबको रंगे हाथों पकड़े, फिर वो मेरे हर झूठ को सच मानेगा।